हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ कि बढ़िया होगे। तो यार आज काफ़ी टाइम के बाद अपन आ रहे हैं यूट्यूब पे। एक्चुअली यार तबीयत थोड़ी मेरी डाउन हो चुकी थी उस दिन की वीडियो के बाद से। यार अपनी तबीयत थोड़ी डाउन थी तो उस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। और अभी मैं पीछे अपने बगीचे में हूँ, सब कुछ मेरा पीछे बगीचा है। थोड़े पेड़ वेड़ लगे हैं, सब्जी के, आम के पेड़ ये सब लगे हुए हैं यहाँ पे। तो आज अपन ने सोचा यार चलते हैं बाहर, एक दो वीडियो शूट करते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट ने दो दिन अलर्ट किया कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। दूसरे दिन से ही धूप निकलने लगी, बट उतना ज़्यादा तेज धूप नहीं है। तो चलते हैं फटाफट यार, कहीं निकलते हैं। मम्मी से थोड़े पैसे वैसे मांगते हैं यार, देखते हैं मिलता है या नहीं। अभी अब आते हैं घर में। तो यार पैसे वैसे तो मिल गए, अब निकलते हैं। 100 रुपीज़ मम्मी ने दिया है। एक्चुअली कहीं दूर नहीं जाना है, इसी लोकल में ही जाना था। तो यार पेट्रोल वेट्रोल का पैसा मिल जाता तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत पैसे में रखा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास 1 रुपया नहीं। बट चलते हैं, चाबी ढूंढ रहा हूँ मैं, चाबी मिल नहीं रही है। बस लेते हैं, निकलते हैं फटाक से। जा चुके हैं अपने अपाचे पे, तो निकलते हैं भाई, राइड इसकी लेते हैं। तो भाई चलते चलते हम लोग आ गए थे, तो पेट्रोल वेट्रोल भरवाए थे। तो हम लोग सोचे कि थोड़ा एवरेज एवरेज देखते हैं यार। नाम तो बहुत सुना है इस बाइक का कि कितना एवरेज देता है, हालांकि एवरेज मेन पर्पज़ नहीं है हम लोग का। अभी हम लोग थोड़ा निकलेंगे, हालांकि घर से निकलने में थोड़ा लेट हो गया था हम लोग को, बट देखते हैं पेट्रोल इसका पहले खाली करते हैं। पेट्रोल भरवाए थे तो हम लोग सोचे कि चल के एवरेज निकाल लेते हैं और कहीं घूम लेते हैं। तो चलते हैं, निकालते हैं इसका पेट्रोल निकालना। पेट्रोल निकाल के ऐसे टहलते रहेंगे जहाँ तक एवरेज देगी बाइक, उसके बाद कहीं बैठेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद फिर घर चलेंगे। यार हमने सोचा कि पेट्रोल इसमें था नहीं और यहीं पे आके पेट्रोल रुक गया था। और अभी देखो आप, बॉटल मैंने थोड़ा सा झुकाया और बॉटल पूरी भरने वाली है। तो इसका मतलब यार भाई आधा लीटर से ज़्यादा तेल लगभग मतलब इसमें स्टोर रहता है ख़त्म होने के बाद। भाई 2 बॉटल हमने भर दी, बट अभी इसमें यार पेट्रोल बचा हुआ है। आप समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग करें क्या। हम लोग को लगा था कि 1.5 लीटर के आसपास पेट्रोल होगा। यार पेट्रोल वैसे भी ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा बाइक झुका दिया मैंने, दोनों बॉटलें भर गई, बॉटल भी नहीं हमारे पास। तो बचा खुचा तेल जो है उसको हम लोग चला के ख़त्म करते हैं। पेट्रोल यार महंगा है, बट वीडियो के चक्कर में सब करना पड़ रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक चलती है बाइक, चलती भी है कि नहीं चलती है। वैसे चलेगी जरूर, सेव रूम है। तो बाइक तो स्टार्ट हो गई है यार, और तेल अभी बंद है, 1 मिनट तेल चालू करने दो। बाइक अभी स्टार्ट हो गई है और ये 2 बॉटल मैंने पेट्रोल निकाल लिया है। अभी देखते हैं कहाँ तक स्टैंड तो मान ले भाई। बाइक भाई स्टार्ट करके देख लेते स्टार्ट होती है कि नहीं। बाइक भाई अब स्टार्ट नहीं हो रहा भाई। अब देखो अब बंद हो जा रही है बाइक, जा नहीं पा रही है। 12 लीटर की बॉटल है और इसमें हम लोग पेट्रोल डाल रहे हैं। आप देख लो पूरा भरा हुआ है। तो जितना जो वाटर बॉटल आता है क्वांटिटी आप लोग देख लो। अब मीटर दिखा देता हूँ आप लोग को कितना है, एक बार सीधा करके दिखा दो। अब देख लो भाई मीटर 15,561 किलोमीटर, एक्चुअली 6 है। देख लो थोड़ा सा हल्का सा मिट गया है वो, बट चलते हैं देखते हैं 61 पे है। भाई बाइक को स्टार्ट कर दिया हमने, हम लोग यहाँ से लेके चल रहे हैं। तो भाई देखो यार बाइक बहुत ज़्यादा नहीं चली, अब देख लो कितना चला है, 605 चला एक्चुअली। तो भाई अचानक से यहाँ पे हम लोग कैसे आ गए, अभी तक तो हम लोग रोड पे थे, फिर यहाँ रूम में कैसे, तो इसका रीज़न आपको बताता हूँ। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, हम लोग घर से निकले, बाइक में पेट्रोल वेट्रोल डलाया, तो फिर मूड बना कि चलते हैं एवरेज भी निकालते हैं और थोड़ा घूम टहल भी लेते हैं, कहीं पर बैठ के खा पी लेंगे।
बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, पूरा प्लान फेल हो गया। हम लोग सोचे थे कि बाइक 70 के आसपास का एवरेज निकाल के देगी हम लोग को, बट ऐसा हुआ ही नहीं। हुआ क्या कि बाइक ने 43 का एवरेज दिया। हमें भी हो सकता है कि हम दो बंदे बैठे थे यार, दोनों 70-70 किलो के हैं, काफ़ी ज़्यादा वेट हो गया था बाइक। एक्चुअली बाइक के हिसाब से था यार, बाइक 25 साल के आसपास थी, हो चुकी है। मे भी ये रीज़न हो सकता है कि वेट ज़्यादा हो गया था और हम लोग उसको कवर नहीं कर पाए, उस हिसाब से चला नहीं पाए, तो इस वजह से एवरेज काफ़ी कम मिला हम लोग को। बट कोई नहीं, वहाँ तक तो प्लान फेल हुआ। और उससे बड़ा पोपट हम लोग का तब हुआ यार, जब हम लोगों ने सोचा कि कहीं चलते हैं, कुछ बैठते हैं, खाते पीते हैं, आपको भी दिखाते हैं, इन्जॉय कराते हैं। और फिर भाई अचानक से मैंने देखा कि फ़ोन की बैटरी कर रही थी ब्लिंक, एक्चुअली फ़ोन हो चुका था पूरी तरह से डिस्चार्ज। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने चार्ज नहीं किया था फ़ोन को, भूल गया था शायद मैं चार्ज करना, तभी इतना जल्दी डिस्चार्ज हो गया बैटरी। फिर वहाँ से हम लोगों ने प्लान को कैंसिल किया, फिर घर पर आया, फोन को चार्ज वार्ज किया। तो अभी को वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी रात के 8 बज चुके हैं, डिनर उनर करने का टाइम हो गया, थोड़ा डिनर करके सोते हैं यार। वीडियो को भी थोड़ा एडिट वडिट करते हैं, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ बता दूँ कि यार ये मेरा माइक निकल गया है इस ट्राइपॉड से, अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो थोड़ी गूंज रही होगी आवाज़, क्योंकि माइक मैंने लगाया नहीं है। तो फटाफट इसको सेटअप करते हैं, अभी पास से दुकान से मैंने फेविक्विक लाया, फेविक्विक भी नहीं था मेरे पास। और उसके बाद फिर मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।